कौन बना बिग बॉस के घर का नया कैप्टन? कल हुआ बिग बॉस के घर में कैप्टनसी टास्क और इस टास्क में शालीन बनोत को बहुत बड़ा रिलीफ मिला। पूरे सीजन में कहा गया था कि उनको पनिशमेंट मिली है कि वो यहाँ पर कैप्टन नहीं बन पाएंगे, लेकिन बिग बॉस ने उनकी पनिशमेंट को ख़त्म कर दिया और वो भी कैप्टनसी टास्क में कम्पीट कर सकते हैं कैप्टन बनने के लिए। वेल, अर्चना की इतनी बड़ी जो सज़ा थी उसको ख़त्म किया गया, उनको वापस लाया गया, तो जाहिर सी बात है कि शालीन की भी सज़ा को ख़त्म करना ही करना था। अब कल हुआ बिग बॉस के घर में कैप्टनसी टास्क, सारे कंटेस्टेंट कैप्टन बनना चाहते थे क्योंकि कैप्टन बनने के बाद आप कोई भी काम से बच जाते, कोई भी काम नहीं करना पड़ता और सबसे बड़ी बात नॉमिनेशन से भी सेफ हो जाते हैं। ऐसा बताया जा रहा था कि साजिद खान कैप्टन बने, लेकिन लाइव फीड देखने के बाद लग रहा है कि सुंबुल तौखीर खान कैप्टन बनी है, क्योंकि वो कैप्टन रूम में बेड पर बैठी होती है, बाकी शालीन और शिव यहाँ पर सोफे पर बैठे होते हैं, उनकी कोई बातचीत हो रही होती है। अगर साजिद खान होते तो साजिद खान उस बेड पर बैठे होते, सुंबुल वहाँ पर क्यों लेटी होती नाइट में? इनफैक्ट उसके बाद यहाँ पर टीना भी सुंबुल से नाराज़ नज़र आई थी और सुंबुल जो है ना जाती है किचन में कुछ लेने के लिए जाती है, टीना शालीन खाना खा रहे होते हैं, सुंबुल को देख करके टीना कुछ बात करने लगती है और कहती है मुझे इसका रिएक्शन देखना था। तो ऐसा लग रहा है लाइव फीड देखने के बाद कि सुंबुल तौखीर खान बनी है बिग बॉस के घर की नई कैप्टन। आपने फ़ोटो भी देखी होगी कि उसमें सुंबुल तौखीर खान बैठी हैं कैप्टनसी रूम में और वो बेड पर बैठी है। अगर वो जो भी कैप्टन बनेगा तभी उसको ये अलाव होता है, वैसे बैठ सकते हैं लेकिन जिस तरीके से सुंबुल बैठी है, सो रही है, रात का टाइम है, उससे ऐसा लग रहा है। फिलहाल आज के एपिसोड में तो क्लियर हो ही जाएगा कौन कैप्टन बना है, तो दोस्तों कमेंट करके बताएं इस पर आपका क्या कहना है। थैंक यू।